अभी तक आपने देखा ह्यूमन स्कैनर में कि मास्टर वैंग के साथ यहाँ अपने पेनिट्रेशन विजन से मुकाबला करता है। फिर मिस्टर वैंग बोलता है, चीज़ें ख़राब लग रही है, मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। फिर मिस्टर वैंग जाते जाते बोलते हैं, मैं तुम्हें अगली बार मार दूंगा, जब मैं अगली बार जीतूंगा मैं इज्जत अपना वापस पा जाऊंगा यहाँ पर। फिर यहाँ कुल्हाड़ी मिस्टर यहाँ की ओर फेंकते हुए बोलते हैं, तुम यहाँ से भाग पाओगे? फिर यहाँ मिस्टर वैंग से बोलता है, यह मुकाबला था और तुम हार गए, तुमने एग्री किया था कि तुम कुत्ते के जैसे भौंकोगे। फिर मिस्टर वैंग रोते हुए बोलता है, हाँ हाँ मैं भौंकूंगा। फिर मिस्टर वैंग कुत्ते की तरह 3 बार भौंकता है। फिर मास्टर वैंग यहाँ से बोलता है, मास्टर यहाँ मैंने कर दिया। फिर यहाँ यूनियर को गले लगाते हुए मिस्टर वैंग से बोलता है, अगर मैंने तुम्हें यूनियर को परेशान करते हुए फिर से देखा तो मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा, अगली बार यहाँ से चले जाओ। फिर मिस्टर वैंग वहाँ से जाते हुए बोलता है, हाँ सर मैं जा रहा हूँ। वहाँ पर खड़े लोगों में से एक आदमी बोलता है, ये सही में कुत्तों की तरह कर रहा है। फिर दूसरा आदमी बोलता है, इसमें आश्चर्य होने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर तीसरा आदमी बोलता है, मास्टर वैंग सही में कुत्ता है। फिर यहाँ गुस्से से बोलता है, मैं भूल गया, वो हमें सामान के पैसे देने वाले थे ना। फिर यूनियर यहाँ से बोलती है, चिंता मत करो, किसी को हिम्मत नहीं है जाओ फैमिली के पैसे रखने के लिए। फिर यहाँ यूनियर की ओर देखते हुए बोलता है, जाओ फैमिली। फिर यूनियर सोचती है, इसे क्या हो गया। फिर यहाँ यूनियर से पूछता है, मैं कब बनूंगा जाओ फैमिली का मेंबर, जल्दी बनूंगा क्या? क्या तुम्हें मैरिज ट्रायल करना पसंद है? पहले मैं कब तुम्हारे पेरेंट्स को देख सकता हूँ? क्या हमारी शादी का तारीख इसी साल है क्या? फिर यूनियर बोलती है, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? वहाँ पर खड़े लोगों में से एक आदमी यान से बोलता है, मास्टर यान, क्या आप रफ स्टोन बेचने वाले हो जो आपने काटे हैं? फिर दूसरा आदमी बोलता है, मैं इसके 25 मिलियन पे करने वाला हूँ। फिर तीसरा आदमी यान से बोलता है, मास्टर यान, मेरे क्लब में सुंदर लड़कियों की टोली आई है वेस्ट की ओर से, क्या आप मेरे क्लब आना पसंद करते हो? क्या मैं आपके लिए एक अपॉइंटमेंट रखूँ क्या? मास्टर यान फिर यान मन में सोचता है, वाह ब्यूटीफुल लेडीज वेस्ट की ओर से। फिर यूनियर यान के पीछे से बोलती है, हाँ। फिर यान अपने मन में बोलता है, कोई पीछे से मुझे मारने वाला लुक दे रहा है। फिर यान अचानक से बोलता है, हाँ मैं रफस्टोन बेच दूंगा, लेकिन जो ग्लासी वाला था वो यूनियर पहले ही बुक कर चुकी है। फिर यूनियर बोलती है, क्या? फिर वहाँ खड़े लोगों में से एक आदमी बोलता है, ठीक है अगर ये बात है तो, यूनियर और ग्लासी क्रिस्टल दोनों परफेक्ट मैच है।